हाय फ्रेंड्स, सबसे गुथम शुरुआत में केंद्र हैं रेल मेकर्स। और आज मैंने एक और नया मेरा एक नया क्रिएशन है जो मैंने कभी कभी कुछ होता है उस पर हंसने का नहीं पता है कि आप लोगों को हंसी तो नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये आज आने से बोलूँ तो एक सामान उठाने वाला एक एक तरह की व्हीकल है। वैसे मुझे उसका नाम नहीं पता, जो बहुत छोटा होता है और जो बड़े बड़े एक कार्ड को कार्ड नहीं बोलते उसे, एक ब्लॉक को ऊपर रखता है, लेकिन मुझे उसका नाम तो याद नहीं है। लेकिन ये जो है वो उसकी तरह ही है, लेकिन पूरा नहीं, ये एक कार की तरह है और दिखने में बहुत बहुत अच्छा है। और इसके जो आर्म्स हैं वो बहुत कस्टमाइजेबल है, मतलब वो आपको कोई भी जो आकार का जो इसके सबसे बड़े मुंह के अंदर आ जाए उसे आराम से ये पकड़ लेता है। ये जो ड्रम आया है यहाँ पर वो जो ये थोड़ा पहला का है जो मैं टेस्ट कर रहा था कि ये वीडियो में दिखाने वाला है कि नहीं ये व्हीकल। तो आपको लग रहा हो कि जो भी मैं बनाता हूँ उसे जल्दी बनाकर एक वीडियो बना देता हूँ, नहीं, मैं पहले चेक करता हूँ कि जो मैंने गाड़ी बनाई है वो वीडियो बनाने के लायक है कि नहीं, मतलब वो अच्छी नहीं है तो मैं दिखाऊंगा नहीं। मैंने एक लगता है मैंने अपलोड किया नहीं, पता नहीं, लेकिन मैंने एडिट करके रखा है उसे और एक्सपोर्ट भी कर दिया है, और उसे अपलोड करना बाकी है या नहीं पहले से ही पता नहीं। लेकिन उसमें दो या तीन जो व्हीकल्स थे वो ऐसे थे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ये दो जो हैं वो ठीक है, मतलब आप सबको दिखा सकते हैं। उसे मैंने क्यों उसके एक अलग वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो वो दो चीज़ें उसमें कोई ज़्यादा अच्छी बात तो है नहीं जो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में दिखा सकूं। मैंने उसके लिए एक इकट्ठी वीडियो इसलिए बनाई कि उसके लिए मैंने बहुत सारे सारे नहीं बहुत सारा वक्त बिताया था उस उन दोनों वीडियो के लिए। तो बनता है एक वीडियो उन दोनों के लिए या तीनों के लिए। तो ये जो आपको वाइट कलर का जो ऐसे स्टीम करके दिख रहा है, स्टीम जैसे दिख रहा है, वो ये जो ड्रम है उसके अंदर के पानी हो सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों निकल रहा है, मुझे पता तो नहीं है। और ये भी वही है जो मैंने कह रहा था कि अच्छी वीडियो तभी मैं दिखाता हूँ आप सबको, वैसे ही कुछ बना के ऐसे ही दिखाता नहीं हूँ। तो इसे आराम से आप ले जा सकते हैं। जब आप इसे जो आम है इसका उसे जो जब आप एडजस्ट करते हैं तब मज़ा आता है, लेकिन उसके जो कंट्रोल्स हैं बहुत ही ईजी हैं, आप ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे WASD है जो आगे पीछे और लेफ्ट राइट का जो बटन है, और यहाँ पर एरो बटन यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन WASD थोड़ा ईजी है। और उसी तरह मैं आप थोड़ा अपने कीबोर्ड में राइट आएंगे तो आपको यहाँ पर YGHJ दिखेगा। तो ये चारों बटन आसपास है ना, तो मैंने इन्हीं चारों बटन का यूज़ किया है आर्म को आगे पीछे और अंदर बाहर करने के लिए। उसका मतलब ये है जो आप आगे जो हिस्सा दिख रहे हैं जो उसे पकड़ के रखा है उसका, मैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। जो हमारी सीट है वो नीचे ऊपर वो होता वो
यू और के से होता है, के से नीचे होता है, यू से ऊपर होता है। तो एक और जो ब्लास्ट होने वाला जो रेड वाला बैरल है उसे लेकर आते हैं यहाँ पर। तो मुझे भी बात तो नहीं करनी क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हो चुका है। मैंने पहले वीडियो में बताया दिया था कि मुझे जुकाम है आजकल, पता नहीं क्यों अभी तक गया नहीं है। तो थोड़ा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। तो देखो मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता। और आप ये कहोगे कि अरे भाई तब से तो बात कर रहा है, अब क्या बात नहीं कर रहा है तुझे। भाई मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि जो हम बात ही नहीं करेंगे तो आप वीडियो को छोड़ के जा जाओगे ना, तो बात करना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि मुझे सिर्फ आप पूरे वीडियो दिखाओ उसके लिए मैं बात करता हूँ। भाई मज़ा आता है बोलने में, लेकिन जब जुकाम होती है तब कुछ करने का तो मन होता नहीं है, तो उसी लिए थोड़ा। ठीक है देख लो भाई, देख लो वीडियो देख लो। पूछो कि ये रेड वाला जो है इसके अंदर से ये वाइट वाला स्टीम कहाँ से आ रहा है, मुझे क्या पता भाई। ट्रेल मेकर से पूछो जो इसके क्रिएटर हैं फ्लैश बॉल गेम्स, उनसे पूछो भाई, मुझसे पूछो मत। मुझे पता नहीं है इसके अंदर से क्या निकल रहा है, हो सकता है कोई एक्सप्लोजिव आइटम हो। वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है कि ऐसे एक्सप्लोजिव आइटम्स ऐसे नीचे गिरे। तो आप सब लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपके घर में बैटरीज होते हैं उन्हें आपको रिसाइकल करने के लिए जो डब्बा होता है उसके अंदर डालना चाहिए, ना कि कोई जो गीला कचरा होता है और भी कचरे होते हैं बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर नहीं डालना है आपको। आपको उसे रिसाइकल करने के लिए जो डिब्बा होता है उसके अंदर ही डालना है क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं, तो वो आप वैसे जला तो नहीं सकते ना।
निकलेगा शायद कुछ करने के लिए, है नहीं ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर दो, और क्या बोलना है भाई, सब्सक्राइब कर लो।